हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद के ऊपर है। वहां पर एमसीए के बारे में क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या रियलिटी है, वो सभी चीजें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। एक स्पेशल चीज इस वीडियो में ये होगा कि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टार्टअप का बहुत दौर चला हुआ है और उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और कितने स्टार्टअप एमसीए के बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं वहां पर, वो मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में जो भी चीजें होंगी लाइक कॉलेज के बारे में, वहां की फैसिलिटीज क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी, मेस फीस कितना होगा, साथ में प्लेसमेंट में हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज एंड मेजर रिक्रूटर्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं, इन सभी का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। 3, 2, 1, 0। बात करूं अगर कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अफिलिएटेड है। कैंपस एरिया इसका 17 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। जितना भी कैंपस एरिया है वो काफी ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। लोकेशन की बात करूं तो NH 9 पे है, गाजियाबाद में पड़ता है। आप सभी लोग जानते होंगे गाजियाबाद कहाँ है। इसके अलावा अगर आप लोकेशन का एक और तरीका है जो कॉलेज तक पहुंचने का, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पड़ा हुआ है जो बना है जल्दी, उसी एक्सप्रेस वे पे अगर आप दिल्ली से मेरठ की साइड जाएंगे तो आपको राइट साइड में पड़ेगा, वहां भी आप जाके देख सकते हैं, आसानी से इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। एबीएस कॉलेज में की बात करूं तो ये TIR 3 कॉलेज की कैटेगरी में आता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज में आपको स्पोर्ट फैसिलिटी कैंपस में जो भी फैसिलिटी वो मिल जाएंगी। इसके अलावा रहने के लिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी और अच्छे फूड आपको मिल जाते हैं, लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, साथ में आपको ऑडिटोरियम एंड सेमिनार हॉल भी मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ NRF रैंकिंग की, तो इस कॉलेज की जो रैंकिंग है 251 से 300 के बीच में लगभग है इसका NRF रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक, बात करता हूं एडमिशन प्रोसेस का, तो यहां पर 180 सीट पे एडमिशन एवरी ईयर होता है और यहां पर एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी किए हो, आपका 10+2 में मैथमेटिक्स हो और आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो, ठीक, तो एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने का दो तरीका है, एक डायरेक्ट एडमिशन होता है, एक होता है आपका CUET 2022 के थ्रू एडमिशन। 15% सीटें डायरेक्ट एडमिशन से फिल कर लेते हैं और 85% लगभग ये सीटें फिल करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगर आप कॉल किए होंगे तो ये बता रहे होंगे कि हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई है, अब कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन अभी सीटें 85% बची हुई है जो कि ये CUET 2022 द्वारा भरेंगे। ठीक, फीस की बात करूं तो लगभग 1,43,000 पर ईयर के हिसाब से फीस है, जिसमें 1,35,000 ट्यूशन फीस है, 8,000 ये एकेडमिक में बुक बैंक सिक्योरिटी का फीस लेते हैं जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक, इसके अलावा 20,000 और 12,000 रुपए दो चीजें इन्होंने मेंशन किया है कि जब काउंसलिंग करवाएंगे और आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 20,000 आपको सीट लॉक करने के लिए देना होता है और 12,000 रुपए SC और ST वालों के लिए सीट लॉकिंग फीस देनी होती है। ये जो फीस है वो आपका जो मेन फीस है उस फीस से माइनस हो जाता है। यूनिवर्सिटी कुछ फीस और भी लेती है, ठीक है, जो कि आपको जब आप एग्जाम फीस के तौर पे लेती है, ये आप MCA से बिलोंग करते हैं या किसी और कोर्स से तो उसका अलग फीस है, MTech का अलग फीस है। तो बात करूँ MCA का तो लगभग 7,865 रुपए ये इनका जो यूनिवर्सिटी है AKTU वो चार्ज करती है, 7,865 रुपए वो आपको डायरेक्टली वेबसाइट जाके पे करना होता है जब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उस दौरान। बात करूं अगर हॉस्टल फीस की तो हॉस्टल फीस यहां पर बॉयज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है और गर्ल्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बॉयज के लिए अगर आप नॉन AC लेते हैं तो 1,03,000 में हो जाएगा और अगर AC लेंगे तो 1,19,000 में। वही बात करूं गर्ल्स का तो गर्ल्स का नॉन AC में 1,12,000 और 1,35,000 AC वालों के लिए। ठीक, अगर आप कूलर लेंगे वहां पर आपको तो पर सेमेस्टर 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। अब आप लोग पूछेंगे कि गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए फीस में डिफरेंस क्यों है, तो उसका रीजन है बॉयज को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती लेकिन गर्ल्स को होती है,
तो उसकी वजह से यहां पर ये चार्जेस ये बढ़ा दिए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म्स का फीस भी लगता है यहां पर, तो 9,000 रुपये आपको यूनिफॉर्म का फीस देना होगा, ये कंपल्सरी है। तो जो लोग भी एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ये मान के चले यहाँ पर फीस काफी है, तो अगर आपका बजट इतना बैठ रहा है तब आप एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरा काम है रिव्यू देना, मेरा काम है आपको सही कॉलेज का सही इंफॉर्मेशन देना, वहां की सच्चाई क्या है मैं वह आप तक पहुंचा रहा हूं। अब आपको सिलेक्शन करना कि आपको एडमिशन किस कॉलेज में लेना है, आपका बजट कितना है, इतना आप जो फीस लग रहा है उस फीस को भर पाएंगे या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आपके फाइनेंशियल कंडीशंस पे, तो वो अपने हिसाब से आप मैनेज करिएगा। बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का इस वीडियो का, वो है प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो प्लेसमेंट कॉलेज ने प्रोवाइड कर रखा है, ये डेटा कॉलेज का कंप्लीट है, मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया और आपका दिखा दिया है। इसमें 123 बच्चे रजिस्टर किए थे, इसमें 123 बच्चे प्लेसमेंट हुए थे, इन्होंने 100% प्लेसमेंट दिखाया है। हाईएस्ट पैकेज 14.95 लाख पर एनम गया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ऑफर 215 है, 61 बच्चों को डबल ऑफर मिला हुआ है। अब इसमें क्या सच्चाई है मैं बताता हूं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में। जो यहां का एवरेज पैकेज है वो 4.2 लाख पर एनम के हिसाब से गया हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो बताया उन्होंने सही है, 14.9 लाख पर एनम गया हुआ है। प्लेसमेंट परसेंटेज इन्होंने बताया वो गलत है, अपने हिसाब से प्राइवेट कॉलेज तो बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, लेकिन एक जो ऑनेस्ट रिव्यू है उसका ये है कि यहाँ पर 80 से 85% प्लेसमेंट हो जाता है प्री ईयर। और ये भी बात सही है कि यहाँ पर डबल ऑफर मिले हैं, ठीक है। और जो इन्होंने दिखाया हुआ है कि 123 बच्चे में 123 बच्चे प्लेस्ड है, नहीं, 180 बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं प्री ईयर, तो 123 का प्लेसमेंट क्यों हुआ, इसका एक रीजन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उनका टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, कुछ डिग्री के लिए पढ़ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका एडमिशन वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस वजह से इतना डिफरेंस आता है। लेकिन स्टार्टअप या और चीज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, तो स्टार्टिंग लेवल पे कोई बच्चा प्लेसमेंट लेना जरूर चाहेगा कि प्लेसमेंट मिले, 1-2 साल काम करें, अपने जो आईटी का बैकग्राउंड है, आईटी का जो फील्ड है उसमें थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें, उसके बाद अपना स्टार्टअप करें, ऐसा हर बच्चा चाहता है, जिसे वो आगे चल के डायरेक्टली पैसा भले जो उसके पास है, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, का तोड़ लगाने के तैयार है, फिर भी अगर वो, मेरा सजेशन रहता है कि अगर वो 2-1 साल एक्सप्लोर करें उसके बाद स्टार्ट करें, तो उसका बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि उसका स्टार्टअप बेकार नहीं होगा या वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पर MCA के ही बच्चे हैं जो कि अभी तक स्टार्टअप किए हुए हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं स्टार्टअप कर दिया है उसका कोई नाम नहीं, कोई गिनती नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा 4 ऐसे स्टार्टअप जो यहाँ के बच्चे किए हुए हैं, वो भी MCA वाले, क्योंकि काफी अच्छा फोड़ रहे हैं और काफी अच्छा उनका कंपनी ग्रो भी कर रही है। बात करता हूं पहले मास्टर रिक्रूटर्स की, कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे अधिक पैकेज दे गई थी, सबसे अधिक बच्चों को यहां से ले गई थी। तो पहला है कैप जिमनी, जो कि काफी बच्चों को यहां पर ले गई है। सेकंड है रैपिडो, रैपिडो ने काफी बच्चों को यहां पर हायर किया था, एज ए इंटर्न हायर किया था बच्चों को। इसके अलावा एक कंपनी है चीटू, जो कि ले गई थी यहां पर काफी बच्चों को ले गई थी, लगभग 25 से 30 बच्चे यहां हायर की थी। एंड नेक्स्ट कंपनी है चेग, जो कि यहां पर काफी बच्चों को ले गई थी। इसके अलावा एम्फेसिस ले गई थी, TCS ने भी हायर किया था यहाँ पर, एंड कॉग्निजेंट ने भी 6-8 बच्चों को लगभग ले गई थी। अब मैं बात करता हूं स्टार्टअप का, ठीक है। 4 कंपनियां आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। पहला कंपनी जो है वो वेब स्प्रेड, सेकंड कंपनी है टेक्यूल, एंड नेक्स्ट कंपनी है एप्थर मोबिलिटी, एंड लास्ट जो है वो पेपर बाइट प्राइवेट लिमिटेड। अब पहली कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो लगभग सारी कंपनियां नोएडा में ही है एंड जो काम करती हैं, ठीक है। पहली कंपनी है वेब स्प्रेड, जिसके जो CEO है वो मिस्टर नीरज श्रीवास्तव हैं, ठीक है। इन्होंने जो एक्चुअली ये काम करते हैं, कंपनी काम करती है, वो वेबसाइट बनाती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करती है, ये इनका मेन काम है। इसके अलावा भी कुछ काम अगर मिल जाता है तो कर लेते हैं, मेन इनका यही है। इसके अलावा अगर मैं टेक्यूल का बात करूं तो ये वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी के फील्ड में भी प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट को ऐप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनका डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी अच्छा ग्रोथ है, डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं।
बात करूं एफथर मोबिलिटी की, तो ये जो है कंपनी काफी ग्रो कर चुकी है, आगे भी पहुंच चुकी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्लाउड इंटेलिजेंस, मोबाइल डेवलपमेंट, इन सभी चीजों में ये काम करती है। बात करूं पेपर बाइट का, तो पेपर बाइट जो होता है ये सिंपली डिजाइन स्टार्टअप है, जो कि सिंपली अलग अलग वेबसाइट्स, ऐप, लोगो को डिजाइन करके लोगों को प्रोवाइड करती है। ये डेवलपमेंट नहीं करती है, डिजाइनिंग करती है। तो जो लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोच रहे हैं इस कंपनी में जाने के लिए और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, दे कैन अप्रोच दिस कंपनी। ओके, ये रहा लगभग ओवरऑल एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अगर कोई चीज मिस करी है मैंने तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, वो चीज नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली में इसको शेयर करिएगा कि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं जो जिसका प्लेसमेंट इस तरह है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह है। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं आप सभी से किसी नए वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए कॉलेज के रिव्यू के साथ, किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मैं बाय बोलना चाहूंगा।